नमस्ते दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करूंगा राधा रानी की कृपा से सब अच्छे ही होंगे। तो आज बनाएंगे हम 2 टायर केक। ये 2 टायर केक हम बनाएंगे 4 किलो का। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं लेयरिंग। लेयरिंग करने के लिए मैंने स्पंज ले लिया था और इसको हल्का छील दिया है। तो हम लेयरिंग करते हैं। लेयरिंग करने के लिए हम रिच क्रीम यूज कर रहे हैं, अंदर भी और बाहर भी इसको यूज करेंगे। ये हम बनाएंगे वनीला चोको चिप के। वनीला फ्लेवर है और चोको चिप डाल के हम बनाएंगे इसको वनीला चोको चिप। मैं यहाँ ज़्यादा लेयरिंग दिखा नहीं रहा हूँ क्योंकि लेयरिंग वही है जो मैंने एक बार दिखा दिया है। मैं हल्का सिरप डाल रहा हूँ इस पे। यह सिरप मैंने चीनी, पानी और हमारा इसमें इलायची, दालचीनी पाउडर और न्यूट्रल जेल है, इसको पका के हमने बना रखा है। और हमारी लेयरिंग हो गई है। अब इसमें हम हल्का चोको चिप डाल देते हैं। उसके बाद ये लेयरिंग हमारी फिनिश हो गई है। और उसके बाद हम हल्का फॉन्डेंट का भी काम करेंगे इस पे। ये 2 रिंग लिए थे मैंने इस पे। और ये हो गया हमारा 2100 ग्राम या 2200 ग्राम के करीब करीब हो गया है। अब हम ले लेते हैं फॉन्डेंट, पिंक फॉन्डेंट की हम बनाएंगे। वो फॉन्डेंट की वो बनाएंगे। और ये फॉन्डेंट मेरा टाइट था तो मैंने इसको हल्का ढीला कर रखा है। और इसकी वीडियो भी मेरे 1 जुलाई से आ जाएगी यूट्यूब अकाउंट पे, क्योंकि हमारा जो सूखा हुआ फॉन्डेंट होता है और जो ढीला फॉन्डेंट होता है, वो दोनों मैं बताऊंगा उसके लिए कैसे सही करते हैं। तो हम वो बनाते हैं। वो के लिए मैंने पतला बेल लिया है और इसको बराबर कटिंग कर लेते हैं। इसकी कटिंग करने के बाद मैं इसको फोल्ड करूंगा। आपको इस हिसाब से फोल्ड करना है। अगर आपको लंबी वो बनानी है, अगर छोटी बनानी है तो खैर नॉर्मल फोल्ड कर सकते हो। मैं एक बार घुमा रहा हूँ बीच से, उसके बाद हल्का साइड से, फिर और साइड से, एक बीच से, दोनों 2 बार साइड से, और उसके बाद इसको बराबर कर लेना दोनों तरफ से। अगर हम इसको यहाँ फोल्ड करते हैं तो हमारा ऊपर का हिस्सा घूम जाएगा। तो इसको नाइफ से कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करने के बाद हम नीचे वाला हिस्सा भी नहीं घुमाएंगे, उसको भी कटिंग कर लेंगे। और हल्का हिस्सा हम बचा लेंगे क्योंकि हम उसको घुमा लेंगे तो यहाँ जो हमारी बो है उसको सारा सपोर्ट मिल जाएगा चिपकने के लिए। तो हम इसको चिपका लेते हैं। उसके बाद हल्का इस पर लगा लेते हैं सपोर्ट के लिए। या आपके पास कोई भी सामान हो हल्का, मैं यहाँ मार्कर लगा रहा हूँ। और हल्का वो का जो हमारा फॉन्डेंट है उसके बो के बीच पे लगा लेते हैं पानी से, और इस पर हल्के निशान बना लेते हैं। तो हमारी फॉन्डेंट की बो भी रेडी हो चुकी है। अब ये खड़ी हो जाएगी थोड़ी देर में। थोड़ी देर इसको सेट करने के लिए हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। आप इसमें इसकी जगह आप फॉन्डेंट भी डाल सकते हो, और मार्कर है तो आप मार्कर या पेन कोई कुछ भी यूज कर सकते हो। और इसके जो हम साइड के जो हमारे बो के साइड के जो रिबन टाइप के होते हैं हम उसको बना लेते हैं। ये भी बन चुके हैं। अब हम बनाएंगे वाइट फॉन्डेंट के छोटे गोले जो हमको सेकंड टायर पे लगाने हैं। जो हमारे दूसरा टायर है उस पर हम इस बो को लगा जो हमारे छोटे गोले हैं इसको लगाएंगे, और टॉप पे हम बो लगाएंगे। तो इस पर हम लास्ट में इस पर वाइट चॉकलेट डालेंगे अभी। तो अब हम आइसिंग कर लेते हैं। आइसिंग करने के लिए हमारी वो रिच गोल्ड की क्रीम है जिससे हमने लेयरिंग की थी। मैं साइड पर हल्का क्रीम लगा रहा हूँ क्योंकि यहाँ दाना नहीं आएगा, जो हमारा चूरा है वो केक पे नहीं आएगा इससे। तो साइड पे हल्का क्रीम लगा के अब मैं आइसिंग स्टार्ट करता हूँ। और अगर आपसे आइसिंग बढ़िया नहीं होती है तो मैंने आइसिंग के लिए भी वीडियो बना रखी है, और आपकी क्रीम बढ़िया नहीं हो रही तो क्रीम वाली वीडियो भी मैंने डाल रखी है यूट्यूब अकाउंट पर, आप यहाँ आके देख सकते हो। तो आइसिंग करने के लिए हमें सबसे पहले ऊपर क्रीम डालनी है और हल्के हाथों से इसको बराबर कर लेना है। बिल्कुल हल्के हाथों से करना है। यहाँ भी आइसिंग करने में मतलब हल्के हाथ ही यूज करना चाहिए, क्योंकि हम अगर ज़ोर से दबाएंगे तो हमारा केक हल्का हुआ और ये ज़्यादा टाइट भी नहीं होता है तो इधर उधर हिल सकता है। उसके बाद हम लगाते हैं साइड पे क्रीम। साइड पे क्रीम हम हल्का हल्का लगाएंगे क्योंकि साइड पे हमें उतना ज़्यादा क्रीम लगाने की ज़रूरत होती नहीं है, क्योंकि हमारा केक बराबर लेयरिंग हो चुका है। तो हमें ज़्यादा क्रीम लगाने में भी बेकार ही है क्योंकि क्रीम ज़्यादा कस्टमर आजकल मांगता नहीं है। तो हम हल्की क्रीम लगाएंगे यहाँ भी और केक को बराबर कर लेंगे। उसके बाद हम ऊपर से हल्के नाइफ करके इसको फिनिशिंग कर देंगे एक बार, और हल्का साइड से कट कर लेते हैं क्योंकि हमारा केक अगर बीचों बीच नहीं होगा तो फिनिशिंग अच्छी नहीं आएगी। तो हमने केक बीचों बीच रख लिया, और इसके बाद हम हल्के हाथों से नीचे को कट करके बराबर कर लेते हैं। फिर हम नीचे से एक नाइफ मार के हम हल्का इसमें कार्ड यूज करेंगे, जो हमारा ताश का पत्ता होता है उसको यूज करेंगे, क्योंकि ताश के पत्ते से हमारी फिनिशिंग अच्छी आ जाएगी। और गर्म पानी का यूज मैं नहीं करता आजकल क्योंकि गर्मी का मौसम है, गर्म पानी उतना अच्छा रहेगा नहीं, क्योंकि अगर मैं दोबारा इसकी फिनिशिंग करूँगा तो क्रीम फट जाएगी हमारी भी। गर्म पानी क्रीम को फाड़ देता है और कार्ड हमारा फाड़ेगा नहीं क्रीम को। तो मैं कार्ड यूज कर रहा हूँ। कार्ड को हम हल्के हाथों से ही लगाएंगे इसको भी,
और उसके बाद हल्का साइड से कट करके इसको भी बराबर कर लेते हैं। इसके बाद जो हमारे ये फोंडेंट की पट्टी काटी है मैंने, जो पतला फोंडेंट की पट्टी काटी है, इसको लगाएंगे हम साइड पे, और हमारी केक की फिनिशिंग हो चुकी है। अब हम फोंडेंट की पट्टियाँ लगा लेते हैं साइड पे बराबर करके, और कैंची से काट लेते हैं इनको। ये पट्टियाँ मैंने फोंडेंट की पतली भी रखी हैं क्योंकि हमें साइड पे लगानी थी, और इस पर चॉकलेट भी नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि इसके बाद मुझे और फोंडेंट लगाना है इस पर। वैसे आप चॉकलेट भी लगा सकते हो इस पर पतली एक लाइनिंग, उससे बढ़िया चिपक जाएगा केक क्रीम पे। ये फोंडेंट जो हम क्रीम पे लगा रहे हैं बढ़िया से चिपक जाएगा। और अब मैं फोंडेंट को पतला बेल के जो हम साइड का हिस्सा काट रहा हूँ, ये मैंने जो हम गार्निश शीट होती है हमारी गार्निश शीट, उसमें उससे काट रखा है ये, क्योंकि इसका कटर नहीं था मेरे पास, तो मैंने इसको गार्निश शीट पे काट रखा है। और इसको हम बराबर काट लेंगे जिस हिसाब से मैंने ये सीट काट रखी है, और इसी हिसाब से मैं साइड पे लगाऊंगा इसको। तो ये मेरा कट चुका है, और ये बराबर थोड़ा हल्का बराबर नहीं आया तो मैं इसको बराबर कर लेता हूँ, जहाँ हमारा थोड़ा भार भार है उसको बराबर कर लेता हूँ। उसके बाद मैं ऐसे दो तीन पट्टी और काटूँगा और केक पे लगा दूँगा, फिर पूरा केक हमारा कवर हो जाएगा नीचे वाला। तो मैं इसको चिपका लेता हूँ, हल्का पानी लगा लेते हैं हम इस पर और चिपका लेते हैं पूरे केक पे। अब हम दूसरे केक की फिनिशिंग करते हैं। यह हमारा पिंक कलर और रेड कलर मिला हुआ है इस क्रीम पे, और यह हमारा पिंक के हल्का जो फोंडेंट का कलर होता है वैसा कलर बन चुका है। अब मैं इस पे आइसिंग कर रहा हूँ। आइसिंग हमने जैसे जैसे पहले की थी वैसे ही करेंगे हर केक पे। आपको आइसिंग करना नहीं आता, अगर आप नए नए हो तो आइसिंग करने की वीडियो देखो मेरी। आइसिंग करना सबसे बढ़िया है, अगर आइसिंग आपने कर ली है तो केक आपका अच्छा बनना ही बनना है फिर। और हम ऊपर की फिनिशिंग करते हैं, उसके बाद हल्का कट कर लेते हैं। कट करने के बाद मुझे कार्ड यूज करना है, मैंने बताया हर केक पे कार्ड से, मुझे हर केक पे कार्ड से फिनिशिंग करता हूँ हमारा, चाहे चॉकलेट गनाश का केक हो या चीज़ केक की हम फिनिशिंग करते हैं वो हो, या रेमबो केक हो उसमें बटर क्रीम यूज करते हैं हम। बाकी हमारा फोंडेंट केक में हो जो हम ये क्रीम और फोंडेंट का बनाते हैं। अब मैं इस पे हल्का साइड से अब पट्टी नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि इसमें मैं क्रीम से ही फिनिशिंग कर रहा हूँ इसको। तो मैंने क्रीम ले लिया वाइट क्रीम, और मैं इसको पूरा लाइनिंग दे रहा हूँ। उसके बाद मैं नीचे जिस हिसाब से हमने फोंडेंट की पट्टी काटी थी उस हिसाब से मैं इस पे लाइनिंग मार लेता हूँ। उसके बाद जो हमारा ये गैप बचा है इस पे भी हम हल्का हल्का क्रीम भर लेते हैं। ये पूरे केक पे हम ऐसे क्रीम भर लेते हैं, और इसको हल्के कार्ड से फिर प्लेन करेंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर हम जा यहाँ पर अगर हल्का ज़ोर से भी दबा दिए तो हमारी जो है साइड के कोने ये नीचे आ जाएंगे। तो हम इसको बिल्कुल हल्के हाथों से बराबर करेंगे अब। और जो हमारा ऊपर का है इसको भी हम नाइफ से बराबर कर लेते हैं एक बार। अभी हमारा ऊपर का फिनिशिंग उतना अच्छा नहीं हुआ, पहले हम साइड का कर लेते हैं। साइड पर मैं कार्ड अभी पूरा नहीं मार रहा हूँ, पहले इसको बराबर कर लेता हूँ। जो जो हमारी क्रीम भरी नहीं है उसको हम भर लेते हैं, उसके बाद बिल्कुल हल्के हाथों से इसको बराबर कर लेते हैं। बराबर हो चुका है, अब ऊपर की फिनिशिंग करता हूँ मैं। ऊपर से हम जो क्रीम हमारे जहाँ जहाँ गड्ढा हुआ है उसको बराबर कर लेते हैं, और एक बार नाइफ को ऊपर घुमा लेते हैं। अब हमारी क्रीम थोड़ी बाहर आ चुकी है तो इसको भी कार्ड से बराबर कर लेते हैं। तो हमारी इस केक की भी फिनिशिंग हो चुकी है, अब हम इसको रख लेते हैं अपने नीचे वाले केक पे। यह केक मेरा 900 ग्राम का है, तो हमारा टोटल केक अब हो गया 3400 ग्राम, 3 किलो 400 ग्राम हो चुका है ये। अभी हमारा फोंडेंट का सामान और लगाना है, तो ये 4 किलो तक हो जाएगा पूरा। अब मैं जो फोंडेंट के रिबन है उसको लगा लेता हूँ, और उसके बाद हम रखेंगे इस पे फोंडेंट की बो। ये फोंडेंट की बो भी हमारी 250 ग्राम की हो चुकी है, क्योंकि ये बड़ी बड़ी बनाए रखी है मैंने, क्योंकि केक भी बड़ी लगी थी और कस्टमर को फोंडेंट केक चाहिए नहीं था ज़्यादा, क्योंकि जो हमारे पास ऑर्डर आया था वो फुल फोंडेंट केक का था। तो मैं इस पे टूथ पिक डाल रहा हूँ दो दो, क्योंकि ये गिरेगी नहीं, अगर ये आगे को भी आएगी तो तब भी नहीं गिरेगी, और पीछे को भी जाएगी तब भी नहीं गिरेगी। बाकी मैं यहाँ आर्टिफिशियल रिबन लगा रहा हूँ येलो कलर का, ये हल्का है येलो और गोल्डन टाइप का है, तो मैं ये लगा रहा हूँ इस पे। और हम इसको कैंची से काट लेते हैं, इसको कैंची से काटने के बाद हम हल्का इस पे क्रीम लगा के इसको चिपका लेते हैं। अब मैं क्रीम का बॉर्डर मार रहा हूँ हल्का हल्का,
ये बिना नोजल के मारने हैं हमें, और ये बराबर मार लेते हैं, उसके बाद हमारा केक हो जाएगा रेडी। अब मैं इस पे नंबर लिख रहा हूँ, मुझे 10 नंबर लिखना है, और मैं येलो कलर का जैसे हमने रिबन लगाया था उसी कलर का यहाँ पर नंबर लिख लेता हूँ। मैंने 10 नंबर लिख लिया है, और जो हमारी फॉन्डेंट के वाइट छोटे छोटे हमने पोल का डॉट काटे थे उनको भी लगा लेते हैं। मैंने इस पे वाइट चॉकलेट लगा के लगा रहा हूँ मैं इस पे, और नाम लिख लेते हैं, हमें लिखना है साई वर्मा, तो हम साई वर्मा लिख लेते हैं। दोस्तों अगर आपकी क्रीम सही बन रही है तो मैंने इस पे इस बारे में वीडियो डाल रखी है यूट्यूब पे, आप जाके वहाँ भी देख सकते हो। और हमारा केक रेडी हो चुका है। आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। आपके लिए मैं नई नई वीडियो लाते रहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक के लिए राधे राधे।